हाय, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी, आप लोग कैसे हो? माता रानी करे आप लोग खुश हो। आप सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया, तो ये थैंक यू वीडियो। किसी ने मुझसे सवाल किया कि निशा लामा कैसे बने। बहुत अलग कहानी नहीं है मेरी, बिल्कुल नॉर्मल कहानी है। गलती मैंने भी की, और उस गलती की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैंने माँ बाप से ऊपर होके शादी की थी, और शादी बिल्कुल सफल नहीं रही। शादी से मुझे दो बच्ची हुई, और बहुत प्यारी बच्ची भी। शादी इतना सफल होने के कारण मानसिक तनाव, अकेलापन और बहुत अप एंड डाउन मेरी जिंदगी में भी आए। मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कोई किसी का नहीं, आप अपने मन हो, तो मैं सच बोलती हूँ। वक्त आने पे माँ बाप, भाई, पति, भाभी, बच्चे, दोस्त सब छोड़ जाते साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा सारा कड़वा सच। एक गलती की सजा मैं 14 साल से भुगत रही हूं। ये पता नहीं मैं आपको क्यों बता रही हूं, मेरे जैसे आप लोगों में भी बहुत सारी लेडीज हैं, मैं जानती हूँ। ये शायद उनके लिए कभी हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो चाहे कोई भी हो, माँ बाप क्यों ना हो, वो भी आपको बार बार याद दिलाते कि तुमने ये गलती की है, तुम ही भुगतो, तुम इसी लायक हो। आप फिर बनते हो तो फिर टूट जाते हो। मतलब मिट्टी के घर को आप फिर बनाते हो, फिर टूट जाता है। अब उसमें कोई भी हो, तो जो कहती है ना, हमारे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, हमारा रिश्तेदार हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे पति हमें सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी मेहनत से, अपनी बहुत मेहनत से खड़ी हूँ। इतनी मेहनत मैंने की है कि मुझे कोई उंगली उठा के कुछ भी बोले, मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए मैं कहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनो, कुछ भी करो पर करो। मेरी आत्मा गिलान मारती है ना, कोई मुझे कुछ कहे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं कई लेडीज कितनी बहादुर होती है जो बर्दाश्त कर लेती है। शायद इस मामले में मैं बहादुर नहीं, मुझसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, और वो बेइज्जती जिसकी गलती एक बार कर चुके हो और आप बार बार माफी मांग चुके उस गलती पे। चलो खैर छोड़ो, ये माता रानी की दुआ है मेरे पे कि
मैं अपने बल पे मेरे अंदर हुनर और कुछ करने का जज्बा, आप लोगों का प्यार तो है कि मैं अपने बच्चों को पाल पाती हूँ। मेरे जैसी बहुत बहनें होंगी जो गाली खा के बैठ जाती है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैं बस यही कहने के लिए ये बातें आपको बता रही हूँ। जो गलती आप लोग कर चुके हो ना कुछ करने की या किसी पे डिपेंड होने की या एडजस्ट करने की, वो गलती अपने बच्चे को मत सिखाना। जिंदगी में एडजस्ट मत करना। कभी भी आप एडजस्ट जिंदगी को मत करना। लीव एंड लेट लीव, जियो जीने दो। गलती से तो इंसान सीखता है ना। हो सकता है कि मैं एक कामयाब बीवी ना बनी हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी बेटी ना बनी हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी बहन ना बनी हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी माँ ना बनी हूँ, पर मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है बहुत अच्छे से। और मैं उनको तहे दिल से बहुत हिम्मत करके पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और उस कोशिश में मैं खुश रहने की भी कोशिश करती हूँ। आप लोगों को देख के मैं जीना सीखी हूँ। सच, आप मेरे कुछ नहीं और आप मेरे सब कुछ। ये फोन छोटा सा है पर उस तरफ बैठे हुए लोग बहुत सारे बहुत सारा प्यार करते हैं मुझे। बस मन में आई थी आप लोगों को बताने की ये बात, तो मैंने आप लोगों को बता दी। वक्त आने पे कोई आपका नहीं, कोई भी आपका नहीं। तो जिंदगी में किसी पे डिपेंड मत रहना, कुछ करना, कुछ बनो। जरूरी नहीं है क्या बहुत कुछ बनो, जरूरी है कि आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सको अपने जिम्मेदारियों के साथ। मेरा मन किया ऐसे वीडियो बनाने का तो मैंने बना दिया। माता रानी आप लोगों को सद्बुद्धि दे, ताकत नहीं बोलूंगी क्योंकि ताकत मिलेगी तो फिर आप लोग एडजस्ट करोगे। तो माता रानी आपको सद्बुद्धि दे। No more words. Jai Mata Di.